भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर दुर्ग नगर निगम ने सुशासन दिवस मनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे शामिल हुई। दुर्ग नगर निगम द्वारा दुर्ग के नाना नानी पार्क में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस आयोजन किया गया, जिसमें शहर के पार्षद, नागरिक सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस कड़ी में कार्यक्रम में पहुंची राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने आज नगर निगम दुर्ग के सुशासन दिवस आयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में सुशासन के साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस पर प्रदेश और शहर में सुशासन स्वच्छता लाने का संकल्प दिलाया। साथ ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस घोषित किया गया। आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार सुशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसी मंच से मैं कामना करती हूं कि नगर निगम दुर्ग में भी सुशासन बेहतरी से आए। सुशासन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है वो सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यह सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। शपथ लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगी और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।